हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन अवर सराउंडिंग का पार्ट टू। लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट वीडियो लेक्चर जो पार्ट वन था, उसमें हमने देखा था कि सराउंडिंग्स क्या होते हैं, मैटर्स क्या होते हैं। ठीक, तो मैटर्स क्या होते हैं? एनी थिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज नोन एज मैटर। ओके, कोई भी चीज़ जो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करे, जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर्स बोलते हैं। ओके, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स होते हैं, उनको इंडियन फिलोसोफर्स ने फाइव एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया था, जिसको उन्होंने पंच तत्व बोला था। ठीक, उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिर हमने देखा था कि कुछ जो इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फर्स्ट हमने देखा था कि पार्टिकल साइज़ आर एक्सट्रीमली स्मॉल, मीन्स उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स, उनके साइज़ जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक, उसके बाद सेकेंड हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं। ठीक, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है। थर्ड हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, इनके मतलब ये स्टेशनरी नहीं होते, ये क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं, और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। ठीक, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आज देखने वाले हैं कि ये जो मैटर्स होते हैं वो कितने स्टेट्स में पाए जाते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या होते हैं मैटर्स के। तो मैटर्स के थ्री डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो मैटर के थ्री डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, हमारे जो सराउंडिंग में हमको कोई भी जो मैटर होता है वो थ्री डिफरेंट स्टेट में मिलता है। फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक, तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्यों तीन फॉर्म में मिलता है? क्योंकि इनमें जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें वेरिएशन होता है। ठीक, मतलब ये कहीं पर कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाएगी, कहीं इंटर स्पेस पार्टिकल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेसेस कहीं पर कम हो जाएगा, कहीं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे किसी मटेरियल में तो किसी में कम हो जाएंगे। तो ये जो इनके प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने जो जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती? वन मैटर टू सेकंड मैटर क्या होते रहती? वेरी करते रहती है, चेंज होते रहती है, जिसकी वजह से कोई भी जो मैटर होता है वो थ्री डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और कौन कौन से स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन पोजेज रिजिडिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड हैंस हैज़ अ डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। तो हम लोग सॉलिड किसको बोलेंगे? जो रिजिड हो। रिजिड मीन्स जो इनफ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबिलिटी आप समझते हैं, जो ऐसे मुड़ जाता, लेकिन जैसे ये पेन देखिए, इस पेन को अगर मैं मोड़ना चाहूँ तो ये मुड़ेगा क्या? नहीं मुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है, ये हार्ड है। ठीक, तो एक रिजिड होती है। सॉलिड आप किसको बोल सकते हैं? जो रिजिड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, जिसको मतलब आप कंप्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप अगर दबाते हो तो वो अपने शेप में चेंजेस नहीं करता, तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल बोलेंगे। थर्ड उन्होंने बोला कि एंड हैज़ अ डिफाइनाइट शेप, मींस जो सॉलिड क्या होता है, उसका कुछ एक शेप होता है जो कि फिक्स्ड शेप होता है। ठीक, और उनका कुछ फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फिक्स्ड शेप है तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा, क्योंकि वो फिक्स्ड शेप एक पर्टिकुलर फिक्स्ड स्पेस ही ऑक्यूपाई करेगा ना। ठीक, तो सेकेंड और किसको बोल सकते हैं? जो सॉलिड होता है, इन सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं। और जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये लगातार ये कंटिन्यू पैक्ड है, और इनके बीच बीच में पार्टिकल्स है, मतलब इनके बीच में जगह ही नहीं होती, स्पेस ही नहीं होती। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट करके रखे हो रहते हैं, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो सॉलिड आपको समझ आया, सॉलिड किसको बोल सकते हैं? जो रिजिड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, जिसका फिक्स्ड शेप हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो। ओके, तो इन जब ये सारी जो प्रॉपर्टी किसी अगर ऑब्जेक्ट में होती है तो आप उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। ठीक, और सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर
वेरी फ्यू स्पेस, बहुत ही कम, ना के बराबर स्पेस होती है, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक, तो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, ओके, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप. हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है. आप देखिए ये पेन इसका फिक्स्ड शेप है. इसको अगर मैं कहीं दूसरे जगह भी रख दूँ, कहीं पर भी रख दूँ, तब भी इसका शेप ऐसा ही रहेगा. ठीक, इसका शेप चेंज होने वाला है क्या? नहीं. तो सॉलिड में हमेशा फिक्स्ड शेप होता है. क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से चिपके हुए होंगे, बहुत अच्छे से बंधे हुए होंगे और जुड़े हुए होंगे, और वो एक दूसरे, और मूवमेंट नहीं होगा वहां पे. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि सम सॉलिड्स कैन चेंज देयर शेप अंडर फोर्स बट रीगेन द सेम शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव. तो कुछ एक्सेप्शन तो होता है, ये केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन मिलते ही हैं. ठीक, तो यहाँ पे भी कुछ जो सॉलिड्स होते हैं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि अगर आप उसमें कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपने जो फोर्स अप्लाई किया था उसको आप रिमूव कर लेते तो वो फिर से अपने पुराने शेप में आ जाते. फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड को खींचेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई किया आपने, तो फोर्स अप्लाई किया तो रबर बैंड की साइज़ क्या हो गई, शेप क्या हो गई, चेंज हो गई. लेकिन जैसे ही आपने उस फोर्स को हटा दिया तो वो रबर बैंड क्या होगा, फिर से अपने सेम शेप में आ जाएगा. ठीक, तो सॉलिड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप के होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं वहाँ पे. ठीक, तो थर्ड उनकी प्रॉपर्टी है कि सॉलिड कीप्स देयर वॉल्यूम विच मींस दैट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. जो सॉलिड्स का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है. क्यों फिक्स होता है? क्योंकि उनके जो शेप फिक्स्ड है. शेप फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं. ठीक, इसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और डिफाइनाइट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक, और उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं मतलब उनका जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है. तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई, सॉलिड कीप्स देयर वॉल्यूम विच मीन्स दैट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, सॉलिड कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर. जो सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनको कंप्रेस करना मीन्स उनको दबाना बहुत ही मुश्किल होता है. कैसे? फॉर एग्जांपल आप स्टोन लीजिए, आप उस स्टोन को अपने हाथ से दबाने की कोशिश कीजिए, क्या वो दबेगा? क्या उसका शेप चेंज हुआ वहाँ पर? नहीं हुआ. वो उस पर कुछ भी चेंजेस हुआ कि आपने प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ नहीं हुआ. ठीक, तो क्योंकि इस तो सॉलिड जो होते हैं उनको कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है. सॉलिड्स कैन हार्डली बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर. आप प्रेशर अप्लाई किए उस स्टोन पर, कुछ भी हुआ, चेंजेस हुए उसके शेप में, कुछ चेंजेस नहीं हुआ. ठीक, तो उसको आपको कंप्रेस करना, उसको दबाना बहुत ही मुश्किल होता है, हार्ड होता है. नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. अब काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड होती, काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होती है मोशन ऑफ पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड होती. बट जो यहाँ सॉलिड होता है, सॉलिड में तो सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच जो होता है इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है. कहीं पर इस मूवमेंट करने के लिए उनके पास स्पेस ही नहीं होता, और जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करते. और मूवमेंट नहीं कर रहे मींस उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है. सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. ठीक, तो डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर. ठीक, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सॉलिड में क्या होता है, नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होती है. तो नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होता पार्टिकल्स का. जो इंटर कंपोजिशन होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, उनका वहाँ मूवमेंट ही नहीं हो रहा. और अगर मूवमेंट ही नहीं होगा तो जो पार्टिकल्स है एक मैटर के, वो दूसरे मैटर से कैसे मिलेंगे? ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम मेटल पीस लेते हैं, किसका, कॉपर का मेटल पीस लेते हैं और सिल्वर का मेटल पीस लेते हैं. उनको हम रख देते हैं, हम देखेंगे कि वो साइड बाय साइड रखे हुए, बट उनमें कुछ चेंजेस आए क्या, वो इंटरमिक्स हुए क्या? आप उन्हें हिलाएंगे, मिक्स करने की कोशिश भी करेंगे तो बस वो एक दूसरे के साइड्स को टच करेंगे, लेकिन वो कम्प्लीटली मिक्स होंगे क्या? नहीं होंगे मिक्स. ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कि सॉलिड्स डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन. मीन्स सॉलिड्स के पास डिफ्यूज होने की, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती. सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी. ठीक, तो हम ये देखते हैं कि ये डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी इज द मास ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट
वॉल्यूम, ठीक। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसमें जितने भी आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसका जो मास होता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होती है? मास ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके यहाँ पर ये आपके सॉलिड्स यहाँ पे क्लोजली पैक्ड है, ओके। तो इस सॉलिड के, ये आपका सॉलिड क्लोजली पैक्ड है, तो ये जो सॉलिड है इस सॉलिड के सपोज ये पर यूनिट वॉल्यूम का, ठीक, इस पर यूनिट वॉल्यूम का जितना भी मास होगा उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोला जाता है, ठीक। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सॉलिड में क्या होते हैं? सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, साथ में होते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम्स में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हाई होंगे तो उनका मास भी ज़्यादा होगा। तो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड स्टेट होता है, उसका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, ठीक। तो आप सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई? डेंसिटी। सॉलिड्स हैव हाई डेंस, ओके। तो सॉलिड क्या होता है? हाई डेंसिटी रखता है उसके, ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं हम। सो द नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है? लिक्विड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नो फिक्स्ड शेप। तो आप लिक्विड देखते ही होंगे कि लिक्विड क्या होता है? जिसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिक्विड बोलते हैं, ठीक। तो लिक्विड स्टेट क्या होगा? जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, मतलब वो एक फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बट जो उसका जो उसका शेप होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो लाइट ब्लू कलर है वो क्या? लिक्विड है। और ये जो डार्क ब्लू कलर में दिख रहे हैं आपको, वो लिक्विड के पार्टिकल्स है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में इंटर स्पेस ज़्यादा है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा है, और ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, ठीक। तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनमें पार्टिकल इंटर पार्टिकल स्पेसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, बट जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इनमें क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, बट सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक। तो हम लोग सॉलिड के कुछ प्रॉपर्टी, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आपने देखा होगा कि आपने पानी लिया, पानी को आपने जिस भी कंटेनर में डाला वो उसी शेप को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक, वो उसी शेप का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड ऑक्यूपाई डिफाइनाइट वॉल्यूम और कीप देयर वॉल्यूम। लिक्विड क्या होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, बट होता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम जो होता है, उसको ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड हैव फ्लूइडिटी एंड नॉट रिजिडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड कैसा होता है? फ्लो होता है, ठीक। तो ये फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है? क्योंकि इनके बीच जो इंटर स्पेस जो होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ठीक। तो ये जो स्पेस ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड्स के कंपेयर में, तो ये क्या होते हैं? थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके पार्टिकल्स बहुत थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? लेयर के फॉर्म में बने हुए रहते हैं। और यही लेयर क्या होता है? फ्लो होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है एंड नॉट रिजिडिटी, क्योंकि ये रिजिड नहीं होता, ठीक। ये क्या होता है? फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी रहता है। लिक्विड्स हैव, नेक्स्ट है लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। अभी हमने डेंसिटी पढ़ी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में, या एक मिलीलीटर ले लीजिए, एक लीटर में, ठीक, या एक मिलीलीटर या एक लीटर, तो एक लीटर वॉल्यूम में आपके जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसका जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक, कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पर
ये जो लिक्विड यहाँ पर है तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं, ऐसे दूर दूर हैं, ठीक। तो अगर इसका हम पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ जो पार्टिकल्स होंगे वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हुआ तो उनका मास भी कम हुआ, मास कम हुआ इसलिए डेंसिटी भी कम हो गई, ठीक। तो इसलिए लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स, ओके। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में उतने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं होंगे जितने कि सॉलिड्स में होंगे, ठीक। तो इसकी वजह से सॉलिड्स हैव लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स, सॉरी लिक्विड हैव, ओके, लिक्विड हैव लेसर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड। नेक्स्ट है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट इज मोर देन इन द सॉलिड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड्स के पार्टिकल्स की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, मैंने अभी बताया कि उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है तो वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है तो उनको मूवमेंट करने के लिए जगह मिल गई, तो जगह, और वो मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं मीन्स उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक। तो जो इस और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में तो वहाँ स्पेस ही नहीं होता कि वो मूवमेंट कर पाए, ठीक है। तो उनके बीच, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है क्योंकि वहाँ मूवमेंट ही नहीं है, मूवमेंट करने के लिए स्पेस ही नहीं है, ठीक। लेकिन सॉलिड लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक। तो इसी वजह से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट इज मोर देन इन द सॉलिड्स, ठीक, ये आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स इन द लिक्विड स्टेट कैन ईजली डिफ्यूज। तो पार्टिकल्स जो होते हैं, जो लिक्विड स्टेट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजली डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। तो अगर आपने मिल्क लिया और उसमें एक दूसरा लिक्विड वाटर ऐड किया तो आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक, बहुत अच्छे से डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में। क्यों? क्योंकि मिल्क भी लिक्विड है, लिक्विड है उसकी वजह से उसके भी जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, वाटर वाटर के भी इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा, तो दोनों एक दूसरे के इंटर पार्टिकल स्पेस में क्या हो जाते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो दोनों पूरी तरह से कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे सॉलिड लिक्विड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट क्या होता है? गैसियस कैन बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ द मैटर विच पोजेस हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड हेंस हैज नाइदर डिफाइनाइट शेप नॉर डिफाइनाइट वॉल्यूम। तो गैस आप किसको बोल सकते हैं? ऐसा गैस किसे बोलेंगे जिसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना ही फिक्स्ड शेप होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? गैसियस स्टेट बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक, वो अभी हम देखने वाले हैं, कंप्रेसिबिलिटी अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो गैसियस स्टेट क्या होता है? जिसका ना तो कोई फिक्स्ड शेप होगा ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। सो अब हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी के मतलब क्या होता है कि आपने कोई मटेरियल लिया, कोई सॉलिड लिक्विड गैस, आप क्या करते हो उसको एक कोई भी चीज़ है उसमें रख देते हैं, कोई कंटेनर में रख के उसको आप इसे कंप्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने पर आप देखते हैं कि उसका जो लेवल था वो चेंज हुआ कि नहीं। जैसे सपोज कंप्रेस करना का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हमारा कंटेनर हो गया और इस कंटेनर पे ये लगा है पिस्टन, ठीक। पहले अभी नॉर्मल प्रेशर था, तो नॉर्मल प्रेशर था तो गैसेस मॉलिक्यूल्स कैसे ऐसे दूर दूर थे, ठीक। लेकिन जब जैसे ही आपने इस प्रेशर को अप्लाई किया, प्रेशर को बढ़ाया, मतलब आपने यहाँ पर प्रेशर लगाया, तो यहाँ देखिए जब यहाँ प्रेशर लगाया तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़े पास पास आ गए, मतलब यहाँ पर वो कंप्रेस हो गए। तो इसी को क्या बोला जाता है? कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या कर लेना पड़ेगा? तीन आप क्या लेंगे? सीरीज लेंगे, ये जैसे सीरीज है, इस सीरीज में आपको क्या करना है, उसके जो नोजल होते हैं उसको रबर कॉक से बंद कर देना, और इसको बोला जाता है पिस्टन। आपको
पिस्टन बोला जाता है, ठीक। इस पिस्टन को रिमूव कर लीजिए और एक पिस्टन को आप खाली रहने दीजिए, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एयर प्रेजेंट होगा, ठीक। सेकंड पिस्टन में आप वाटर लीजिए, थर्ड पिस्टन में आप चॉक पाउडर लीजिए, ठीक है। आप उसके बाद फिर पिस्टन को लगाइए उसमें और कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे कि आपको जो गैस वाला होगा, जो खाली पिस्टन होगा, वो ईजिली कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो बहुत दूर दूर थे, जो गैस के पार्टिकल्स थे वहाँ पे बहुत दूर दूर थे। जब आपने उसको कंप्रेस किया तो वो पार्टिकल्स क्या आ गए, पास पास आ गए, और जो उनका वॉल्यूम था वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। सपोज़ जो वॉल्यूम पहले कितना रहा होगा इस गैसेस पार्टिकल का, अगर ये पिस्टन यहाँ पर रहा होगा, ठीक, ये पिस्टन यहाँ पे रहा, तो गैसेस पार्टिकल्स, गैसेस का वॉल्यूम कितना था, इतना था। लेकिन जब आपने इस पिस्टन को क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया इस पिस्टन के थ्रू, तो जो गैसेस का वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज डिक्रीज, तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया वहाँ पे, ठीक। लेकिन नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर, जिस सीरीज में आपने क्या लिया था, वाटर लिया था, तो इसमें जब आप वाटर को कंप्रेस करते हैं तो वो बहुत ही कम कंप्रेस्ड होता है, मीन्स उसके जो वॉल्यूम होता है उसमें बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं। लेकिन अब जब आप सॉलिड, जो चॉक डस्ट लिया था आपने, चॉक पाउडर लिया था, उसको आप कंप्रेस ही नहीं कर पाते, उसका जो वॉल्यूम था पहले से उतना ही उसका वॉल्यूम था जब आपने उसको कंप्रेस किया, तो आपको कंप्रेसिबिलिटी समझ आ गई होगी कि कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, लिक्विड में थोड़ी सी होती है कंप्रेसिबिलिटी, बहुत ही कम, लेकिन गैस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मीन हम उसको कंप्रेस करके उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती, जैसे सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी थी, लिक्विड की स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी थी, वैसी गैस स्टेट की भी प्रॉपर्टी होती। तो गैसेस स्टेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। तो हमने अभी देखा कि गैस की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, क्यों, क्योंकि उनके बीच जो इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है, और जो उनके स्पेसेस होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं करते। एक पार्टिकल अगर यहां पर है, जैसे कि यह आपने गैसेस स्टेट ले लिया, अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, तो देखिए इनके बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसको जिस भी कंटेनर में रख लिए वो उसी शेप का हो जाता है। नेक्स्ट, गैस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। तो गैस तो उनके बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, तो रिजिड कहाँ से होंगे, ठीक। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तब वो रिजिड होते हैं, क्योंकि वो हाई क्लोजली पैक्ड होते हैं उस टाइम पर। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, रेंडमली इधर उधर कहीं भी मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक। तो इसी मूवमेंट की वजह से वो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उनमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है, और उसके हमको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फ्लूइडिटी। गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, नॉट रिजिडिटी। थर्ड है, गैसेस डू नॉट कीप देयर वॉल्यूम एंड आर हाईली कंप्रेसिबल। ये हमने अभी लास्ट देखा कि उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, आप उसको कंप्रेस कर करके उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। गैसेस आर जनरली वेरी लाइट। गैसेस का जो मास होता है, अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में उनका मास कैलकुलेट करेंगे, मींस अगर आप उनकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो वो बहुत ही कम आती। क्यों? क्योंकि आप देखिए, गैस जो होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम, सपोज अगर इतना वॉल्यूम अगर आप लेते हैं, या अगर आपका पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ देखिए सिर्फ दो पार्टिकल्स हो गए, तो सिर्फ इस दो पार्टिकल्स का मास कितना होगा, बहुत ही कम होगा। इसकी वजह से ही जो गैस होते हैं इनका मास कम होता है, क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक, और उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन द गैसेस स्टेट इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, मोशन कर रहे हैं मीन्स उनके पास जो है काइनेटिक एनर्जी है, और वो जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से इधर उधर मोशन करते रहते हैं। गैसेस एग्जर्ट्स प्रेशर। तो गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, मीन्स जब आप अगर किसी गैस है, उस गैस को आपने ऐसे कंटेनर में रख दिया,
ठीक, ये बंद है कंटेनर, तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कभी इधर मोशन करेंगे कभी इधर मोशन करेंगे, और जब वो वॉल, इस गैस जो कंटेनर है इसके वॉल से स्ट्राइक करते हैं तो उस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक। तो उसको तेज़ी से जब उस पर हिट करते हैं, स्ट्राइक होते हैं गैस के वॉल से, तो वहाँ पर वो एक प्रेशर लगाते हैं, जिसकी इसी को हम बोलते हैं कि गैसेस एग्जर्ट्स प्रेशर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से वो मूवमेंट करेंगे, रैंडमली मूवमेंट करेंगे कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, और वो वॉल से स्ट्राइक होके उनको प्रेशर लगाएंगे वहाँ पे, ठीक। तो गैसेस है एग्जर्ट प्रेशर्स। तो द नेक्स्ट गैस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गैसेस डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। तो जो गैसेस होते हैं वो बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एक टाइप का जो गैस होता है वो दूसरे सेकेंड टाइप ऑफ गैस में बहुत ईजली डिफ्यूज़ हो जाता है। जो गैसेस होते हैं वो लिक्विड में भी बहुत ईजली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। आपने कभी सोचा, जैसे वाटर, वाटर में ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों ही बहुत ईजली बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो फिशेस होते हैं, जो वाटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक। तो यही लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से ही जो गैसेस होते हैं उनमें डिफ्यूज़ होते हैं, और डिफ्यूज़ होने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो पॉसिबल हो पाता है। अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता उनको, अगर ऑक्सीजन गैस लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होती तो क्या होता, जो फिशेस होती है, जो भी वहाँ पे जीव होते, जो भी एनिमल्स होते, वो क्या होते, मर जाते, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलता उनको। लेकिन हमारे जो गैसेस स्टेट मैटर हैं, जो मैटर का गैसेस फॉर्म है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफ्यूज़ होने की प्रॉपर्टी होती है, इंटरमिक्स होने की प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो गैसेस डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। तो डिस्टिंक्शन अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, हमने थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर देखे, तो हमको क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो हमने देखा कि जो सॉलिड था, सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे वो क्लोजली पैक्ड थे, देखिए यहाँ पर सब क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे से, और उनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम था, ना के बराबर था, और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा हाई था। ये हमने ऑब्जर्व किया सभी तीनों जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने देखे। जब हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज स्टडी की तो हमने देखा कि वहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि वहाँ जो इंटर पार्टिकल्स थे वो थोड़े एक दूसरे से दूर दूर थे, क्लोजली पैक्ड नहीं थे, ठीक है, क्लोजली पैक्ड नहीं थे वहाँ पे, और वो उनके बीच का जो स्पेस था वो थोड़ा ज़्यादा था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वहाँ पे वीक था एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड के केस में, सॉरी गैस के केस में क्या हुआ, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत ही वीक हो गया, और जो उनके बीच का स्पेस था, देखिए यहाँ पे स्पेस और ज़्यादा हो गया, इंटर पार्टिकल स्पेस भी क्या हो गया था, और ज़्यादा हो गया था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कंपैरिजन। हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली सॉलिड, लिक्विड और गैस की, अब उनमें हम कंपैरिजन करते हैं, ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ भी सकते हैं, ठीक। कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है वो सॉलिड्स में क्या होती है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। लिक्विड स्टेट में कंपेरेटिवली लार्ज एज कम्पेयर टू सॉलिड, सॉलिड्स में क्या होते हैं स्पेस बहुत कम होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं वो कंपेरेटिवली लार्ज होते हैं। गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी लार्ज, ओके। सेकेंड है इंटर पार्टिकल फोर्सेस, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस सॉलिड्स में क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखते हैं उनके पार्टिकल्स। सेकंड लिक्विड स्टेट में क्या होता है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस वीक होती हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। थर्ड है मीन्स गैसेस स्टेट में क्या होता है, वेरी वीक होती हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस। थर्ड नेचर कैसा होता है, सॉलिड का रिजिड होता है, हार्ड होता है, लिक्विड स्टेट फ्लूइड होता है, और गैसेस हाईली फ्लूइड होता है, वो फ्लो होने की टेंडेंसी रखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि हम जो सॉलिड होते हैं उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ओके। और जो लिक्विड स्टेट होता है उसको हम
कर सकते हैं. ओके, वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी. लेकिन जो गैस होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है शेप एंड वॉल्यूम. तो शेप जो सॉलिड होता है उसका डिफाइनाइट शेप होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड स्टेट का इनडिफाइनाइट शेप, उसका शेप डिफाइन नहीं होता, वो किसी भी शेप का हो जाता है, जिस कंटेनर में लोगे उस शेप को ले लेगा. लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है, लिक्विड स्टेट का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है. नेक्स्ट गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट में ना ही फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. थर्ड डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में वहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसका जो मास होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम फिर हाई हो जाता है, और उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं. लिक्विड में लेस देन द डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट. जो सॉलिड स्टेट की जो डेंसिटी होती है उसके कंपेरिजन में जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो उससे कम होती है. नेक्स्ट गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में क्या होती है? बहुत ही लो डेंसिटी होती है क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मास भी कम हो जाता है. मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी. तो सॉलिड में तो होती ही नहीं है मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक. तो लो. लिक्विड स्टेट में कंपैरेटिवली हाई, गैसेस स्टेट में वेरी हाई, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते हैं. डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स में नहीं पाई जाती, नेग्लिजिबल होती है. लिक्विड में स्लोली होती है और गैसेस में वेरी फास्ट. ओके, तो ये हमने क्या पूरा स्टडी कर लिया, सॉलिड लिक्विड गैस उनकी प्रॉपर्टी, और उनको क्या किया, कंपैरेटिवली स्टडी भी कर ली कि किसमें कौन सी प्रॉपर्टी हाई होती है, किसमें कम होती है. तो आई होप आपको सॉलिड लिक्विड और गैस पूरी तरह से क्लियर हो गया हो, ठीक. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू.